क्या आप उन्हीं लोगों में से है जिन्हें मशरूम पसंद तो है लेकिन बनाना नहीं आता? तो आज के बाद आप बनाएंगे भी और खिलाएंगे भी। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मशरूम मसाला होम स्टाइल। इसके लिए हमने लिए है फ्रेश मशरूम। अब इसे अच्छी तरह से धोकर लंबे से काट लेते हैं। इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून सब्जी मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ली है। 2 मीडियम साइज प्याज और 2 मीडियम साइज टमाटर हमने बारीक काट लिए हैं। हरा धनिया धोकर बारीक काट लिया है। लहसुन और अदरक 2 टेबलस्पून कूट के लिया है। अब कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें करी लीव्स और लहसुन और अदरक अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लेते हैं। अदरक लहसुन अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालते हैं और अच्छी तरह से भून लेते हैं। प्याज अच्छी तरह से भून गया है। अब टमाटर डालेंगे और उसमें थोड़ा नमक डाल के अच्छी तरह से भून लेते हैं। नमक डालने से हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। टमाटर अच्छी तरह से गल जाने के लिए इसे धीमी आंच पर हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से जल ना जाए। अब इसमें थोड़ा हरा धनिया डालते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें सब मसाले डाल देते हैं और हिलाते हुए तेल छोड़ने तक इसे धीमी आंच पर पकाते हैं। देखो मसालों की कितनी सुगंध आ रही है। तो अब मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं और उस तेल भी छूटा है। तो अब इसमें सब मशरूम डालते हैं और इसे धीमी आंच पर अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए
छोड़ देते हैं और बीच बीच में ढक्कन खोल के इसे हिलाते रहेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और वापस इसे एक मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखते हैं, क्योंकि अब तक मशरूम पके नहीं हैं। अब हम चेक कर देते हैं मशरूम पके या नहीं। अब मशरूम अच्छे तरह से पक चुके हैं। अब इसे हिलाते हुए गैस बंद कर देते हैं। देखो, हमारा कढ़ाई मशरूम मसाला होम स्टाइल तैयार हो गया है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और कमेंट्स भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। ओके, बाय बाय।